को सुन खड़े आंखों में है प्यारे लिए कहता है दिल तुम आओगे आ जाओ ना क्यों हो खड़े ये सब बातें जब याद आए पलकों से आंसू टप टप बहे हो आंखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा जब भी हो तेरा मन खफा तो जी पुकारे पुकारे तुझे मन घबराए बुलाए तुझे शहरों से गांव देहातों से और वो पाकिस्तानी जो देश से बड़े दूर हैं दूर लेकिन हमारे दिलों के बहुत पास हैं और पास करती है हमें ये स्क्रीन तो उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मेरी तरफ से पूरी एक्सप्रेस टीम की तरफ से दिल से ईद मुबारक भाई मैंने पूरी ट्रांसमिशन की रमजान की और क्या ही जबरदस्त ट्रांसमिशन इस प्यारे मोहल्ले से की जिसे आज तो क्या मैं कहूंगी मस्त सजा दिया है भाई हमारी टीम ने लेकिन जनाब पूरे रमजान जितना आदमी और बच्चे औरतों का दिमाग खाते हैं वो औरतें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं सहरी में ये बनाओ अफतारी में फला चीज बनाओ और मतलब हर किस्म के नखरे उतना ही उन मर्दों को आखिरी के 3-4 दिन ये औरतें इतना टफ टाइम देती हैं मुझे ऐसे कपड़े चाहिए मुझे चूड़ियाँ चाहिए मुझे गजरे चाहिए मुझे ज्वेलरी सबसे अच्छी चाहिए यानी मुझे सबसे प्यारा दिखना है भाई दोस्तों में मैं सबसे प्यारी लगूं, खानदान में तो कोई मुझ जैसा जोड़ा पहने ही नहीं ना तो ये यूनिक लगने की जो ख्वाहिश होती है वो यूनिक लगने की ख्वाहिश में इतनी सारी मेहनत में इतने सारे खर्चे के बाद फाइनली ईद का दिन बल्कि शाम आ गई और हमने क्या किया हम सोते रहे पूरा पाकिस्तान यही करता है मुझे सब पता है मेरे घर में भी यही होता है नमाज पढ़ी ईद की और एक उधर पड़ा हुआ है एक उधर पड़ा हुआ है सब सो रहे हैं किसी को कोई टेंशन नहीं है अम्मा अब्बा बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं भाई पहले हम पागल हो रहे होते थे ईदी के लिए अब बच्चे कहते हैं यार ले लेंगे ईदी कहाँ जाएगी ईदी हमारी तो मिल ही जानी है हमें बल्कि मैं तो सुना है आजकल बच्चे कहते हैं अब्बा जी बैंक ट्रांसफर करते हैं हमें ईदी हम वहीं से बस हमें रिसीव हो जाएगी तो जनाब कोई बात नहीं अगर आपने पूरा दिन सोकर गुजारा और क्यों ना आप सोकर गुजारते क्योंकि आप पूरी चांद रात जो जागे हैं पूरी चांद रात आपने मेहंदी भी लगवाई है चूड़ियां भी खरीदी हैं लड़कों ने आवारागर्दी की है तो मुझे सब पता है लेकिन कोई बात नहीं
सब माफ, क्योंकि अभी इस वक्त आप एक्सप्रेस पर हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो आपको सारी आवारागर्दी, सारी शॉपिंग, सारा तंग करना माफ। एक्सप्रेस की तरफ से आप माफी का ऐलान हो गया है। ईद मुबारक सबको एक बार फिर। आज जो हमने ये सेटअप किया है जो आपके लिए, और भाई एक बात, कोविड में ना हमने 2 साल को ईद नहीं मनाई, कुछ नहीं हो रहा था, सब घरों में थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, तो फला तो अला भाई इस दफा सबने कहा हमें ईद मनाने दो, तो हमने भी कहा है कि हम ईद मनाएंगे और ऐसी मनाएंगे कि आपको याद रहेगी। इतने अच्छे गेस्ट आज हमारे पास आ रहे हैं, इतने अच्छे जबरदस्त मुल्क के बड़े नाम, आपके फेवरेट तरीन सेलिब्रिटीज की मैंने लिस्ट निकाली और जो टॉप पे थे ना उन सबको यहाँ बुला लिया है। एक ब्रेक के बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन पहले मेरे साथ कुछ इंतहाई आई एम सॉरी बट बहुत खुदगर्ज कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, इनका बैंड है जिसका नाम खुदगर्ज है, मोहल्ले की छत से कोविड में शुरू होने वाला बैंड जो एक लड़के की छत से शुरू हुआ। किसकी? तुम्हारी छत से शुरू हुआ था, इसकी छत से वो बैंड शुरू हुआ। और आज देखें जनाब, जो 2 दर्जन से जायद लड़कों ने बैंड शुरू किया था, आज 8 रह गए, और 8 इतना कमाल गाते हैं, इतना कमाल बजाते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पड़ोसी मुल्क में भी बड़े चर्चे हैं। मैंने सुना बड़ा लड़कियां नंबर शंबर फेंक के जाती हैं, पूछती हूँ उनको क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये क्यों, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या हो रहा है खुदगर्ज वालों के साथ, तो जरा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सबका? ईद दिया मुबारक। तो मैं दसो कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, खुदगर्ज। पहले मुझे बताएं कि खुदगर्ज क्यों नाम रखा आपने? अच्छा, वो हम म्यूजिक को लेके ज्यादा खुदगर्ज हैं, इसलिए है। वैसे तो खुदगर्ज नहीं हो? नहीं, वैसे नहीं। नहीं, नहीं, वैसे तो इस सबकी गर्ज पूरी कर रहे हो यार, म्यूजिक वाली गर्ज सबको है, तो इसलिए बिल्कुल खुदगर्ज नहीं हो, मुझे पता है। नाम किसने रखा था ये बच्चे का? नाम दादा ने या दादी ने? अच्छा, तो आप दादा दादी हैं जो नाम रखते हैं बच्चे का। हम लोग बैंड के नाम सर्च कर रहे थे, जब हमने सोचा कि इसको एक बैंड की शक्ल देनी चाहिए, तो हम लोग बैंड के नाम सर्च कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा था, हम जो भी बैंड का नाम रख रहे थे ना, वो दैट नेम वाज ऑलरेडी टेकन, वो किसी ना किसी ने, क्योंकि इतने सारे एक पत्थर उठाओ ना जिससे 12 बैंड निकल आते हैं, लेकिन सब यहां तक नहीं पहुंचते। हां, फिर हमने सोचा कि हम लोग जिस तरह की म्यूजिक और जिस तरह के मैशअप्स वगैरह करते हैं वो अपनी मर्जी से, और उसमें एक ऑथेंटिसिटी होती है भाई, तो है ऑथेंटिसिटी है उसमें, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, वहां से बड़े लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लड़कियां तो चले मैंने ऐसे कह दिया, बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं। कितने 1.5 मिलियन तुम लोग के सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पे? वी आर द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन बैंड एट द मोमेंट टू हैव 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। क्या बात है यार, इतने सब्सक्राइबर्स, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। आज तुम लोग से बहुत सारे गाने सुनने हैं, ठीक है, और जो हमारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं उनको भी इंजॉय करवाएंगे। यार इतने जबरदस्त नाम, मेरी सहेलियां आ रही हैं, मेरे बहुत पसंदीदा स्टार्स आ रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़ा नाम, होस्टिंग में जो सबसे बड़े नाम है इस मुल्क में उनको मैंने बुला लिया। मतलब मैं जिन जिन की फैन हूं ना, मैंने कहा यार उन सबको बुलाओ, उन सबसे पूछेंगे जो सबसे सवाल पूछती हैं, उन्हें बहुत तंग करती हैं, हैं ऐसी खवातीन, और उनको भी बुलाए। साथ में एक बहुत ही प्यारा सेलिब्रिटी कपल है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो सब हमारी इस ट्रांसमिशन में आज होंगे, और इतने कोई नेक्स्ट लेवल खतरनाक, उनसे हमने सवाल करने हैं ना कि आपकी ईद के मज़े मतलब डबल ट्रिपल हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरा प्रॉमिस है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन मैं खुदगर्ज वालों से कहूँगी कि भाई आपको पता है ब्रेक पर कैसे जाना है, पता है ना, चले तो शुरू हो जाए आज इनसे सारा पैसा वसूल। तेरे बिना जिंदगी लागे सजा, तेरा साथ हो ये सजा लागे जजा, क्या बात है।
मुबारक। कोविड के दो साल इतनी बोरिंग ईदें गुजारी हैं, सबकी बस हो गई थी यार, और इस बार ना वाकई कुछ ईद पर गहमा गहमी, रौनकें बाजारों में, सड़कों पर नजर आई हैं, तो मज़ा ही आ गया। और वो रौनकें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रौनकें हैं, उनको आज हम उठाकर ले आए हैं अपने इस शो में। एक्सप्रेस के व्यूअर्स को ना सारी फन, एंटरटेनमेंट, सारी गहमा गहमी, क्योंकि आज मुझे पता है कि जो आप लोग, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सुबह से सो रहे होंगे, ना अम्मा अब्बा के कहने पर उठे होंगे, किसी को कोई ख्याल नहीं होगा कि यार ईद है, उठ जाओ, ईद पर कुछ कर लो, नहीं, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है। तो शो देखने के लिए बहुत आपका शुक्रिया सबसे पहले तो मैं अदा करना चाहती हूँ, लेकिन आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप ये शो देख रहे हैं, मेरी वजह से नहीं यार, जिन लोगों की वजह से मैं कह रही हूँ। और जो मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं, मैं आज उनसे पहली बार मिल रही हूँ, बाकी जितने गेस्ट हैं उनसे मैं मिल चुकी हूँ, ये वो वाहिद गेस्ट हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ। और आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटी कपल्स, देखिए जब इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज होते हैं ना तो उनसे मोहब्बत होती है, लेकिन जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो मोहब्बत, फैन फॉलोइंग, प्यार और दुआएँ सब दुगनी हो जाती हैं। और ये वो सेलिब्रिटी कपल है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताएं, इतने सारे कार्ड्स दिए कि इन्होंने ये किया, फलां ड्रामों में काम किया, यहाँ होस्टिंग की, मॉडलिंग की, ये। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, ये पाकिस्तान का सबसे ऑर्गेनिक कपल है। ऑर्गेनिक सब्जियाँ, फ्रूट्स, सब चीज़ें हमें पता है ना, लेकिन अगर इंसान ऑर्गेनिक है तो ये दो हैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल, फेक नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि ईद तो देसी ऑर्गेनिक लोगों के साथ मनानी चाहिए, इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हें अपने इस शो में बुला रही हूँ, उनसे ईद की मुबारकबाद वसूल करेंगे, उन्हें ईद की मुबारकबाद देंगे आप सबकी भरपूर तालियों में, जो कि नहीं है तालियां लेकिन घर में बजा सकते हैं। हिना अल्ताफ और आगा अली आ जाइए। लवली, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वाकई, यस, मैंने आज सबको ना अलग से पेमेंट पहले दे दी थी, वो अलग वाली थी कि आपने मेरी जरूर तारीफ की। आप प्यारी भी लग रही हैं, आपने थ्रू आउट रमजान ट्रांसमिशन भी बहुत शुक्रिया है ना, बड़ी गर्मी थी इसी जगह पर हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, बहुत धूप थी, लेकिन आप यकीन करें लोगों के प्यार ने, सपोर्ट ने इतनी हिम्मत दी कि बड़े अच्छे से ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। एंड यू डिड सो वेल, आपकी पहली ट्रांसमिशन थी है ना? मेरी ये पहली रमजान ट्रांसमिशन। अच्छा, लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर ट्रांसमिशंस की बात की जाए तो माशाल्लाह राबिया अनम काफी अच्छा नाम रखती है रमजान ट्रांसमिशन, स्पेशली अगर बात की जाए होस्टिंग की, तो काफी हद तक थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन। हाय अल्लाह नहीं करो ऐसा, नहीं, दो खवातीन एक दूसरे की तारीफ इतनी देर तक कर रही है, ये ईद 100% बहुत स्पेशल है ना। आगा मुझे बताएं, आपकी बेगम रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी, इफ्तारियां शफ्तारियों का क्या था? आगा की सेट पे इफ्तारियां हो रही हैं। ओए होए, I was shooting अभी throughout the रमजान and she was doing this, ये ट्रांसमिशन तो होती थी, तो बस रात को पैकअप के बाद मुलाकात होती थी। अच्छा तो, मुझे बताया आगा, क्योंकि मैं खुद जब रमजान ट्रांसमिशन करती हूँ ना, बंदा जरा बदल सा जाता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही होती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होती हैं। तो हिना में थोड़ी तब्दीली शब्दी आई, तो डांट लगाई कि क्यों लेट हुई है नमाज, जल्दी उठ के क्यों नहीं पढ़ी, ऐसा हो रहा था? इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हिना में ऐसे चेंज तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत सारी चीजें हिना सीखती थी और फिर आके हमें बताती रही। एग्जैक्टली, मैं बहुत दफे ऐसे वाकयात या जो हमें यार क्या बात है, तो मैं हमेशा आके आगा को बताती थी, पता है इस दिन ऐसा होता है, इस दिन ऐसा होता है। सबसे अच्छी बात है ही आल्सो लिसंस वेरी केयरफुली। अच्छा, आगा वो वाले हस्बैंड हैं जो प्यार से सुनते हैं, तवज्जो से बातें। आगा दोनों तरह के हस्बैंड है, आगा का दिल करेगा आगा प्यार सुनेगा, आगा दिल नहीं करेगा आगा को नहीं सुनेगा। आगा वाले तो नहीं उठ के चले जाते, अच्छा यार थैंक यू बाद में मिलते हैं। कहानी बोरिंग थी। आगा से और हिना से जबरदस्त बातें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने करनी है, लेकिन उसके साथ ही गपशप शुरू होते ही, क्योंकि आगा और हिना आए ना, तो यार मेरे सवाल शायद कम पड़ जाएंगे, अवाम ने इतने सवाल भेजे हैं, और जब लोगों को थोड़ा पता भी चला कि जी एक सेलिब्रिटी कपल आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया कि हमारा फेवरेट कपल तो ये है। मैंने कहा शायद मेरे सवाल कम पड़ जाएं यार, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए, आप दोनों के लिए एक और होस्ट बुलवा लेती हूँ। गेस्ट जो होते हैं ना बहुत सारे शोज में, मैंने एक और होस्ट बुलवा ली, मेरा थोड़ा साथ देंगे। बेहतरीन बात ये कि उन्होंने भी रमजान ट्रांसमिशन किया है इस दफा, सारे ना वो मेहनत का फल हमें मिल रहा है।
पूरे पूरे महीने मेहनत करके, और ये वाकई वो वाली मेहनत होती है जो दिल से की जाती है, खुशी हो रही होती है यार ये काम करके बहुत ज्यादा, और फिर जब ईद मनाने का मौका ऐसे लोगों के साथ मिले। ये मेरी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट रही हैं। अब इन्होंने मॉर्निंग शो नहीं करती हैं, लेकिन ये जो भी काम कर रही होती हैं, ड्रामास में एक्टिंग करें या कुछ भी कर रही हो यार, ये इतना अच्छा काम करती हैं कि दिल खुश हो जाता है, इसलिए कि ये दिल से बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और जब ये बात करती हैं तो ऐसा लगता है यार मैं इस तरह क्यों नहीं बात कर सकती, इतनी नज़ाकत से हम तो बह 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 करके शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं कोई तमीज़ तहजीब थोड़ी सी ना साइड पे हो जाती है। ये हमेशा बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करने वाली, और मॉर्निंग शोज में बड़े अच्छा कंटेंट लेकर ये चली हैं जितने अरसे इन्होंने मॉर्निंग शो किया है। तो आइए आप सबकी तालियों में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिल की अच्छी सनम जंग को बुलाते हैं यहाँ पर। आ जाइए, आइए सनम यहाँ बैठिए, ये आपकी जगह, ये वाओ, ये बहुत सारी चीजें भाई आपको मैं बताऊंगी। भूख भी लग रही है। अच्छा जी, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए यहाँ पर मंगवाई हैं। मुझे पता है कि डाइट कॉन्शियस सेलिब्रिटीज खाएंगे तो नहीं, 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 नहीं हो। अच्छा यार, मैं तो जितने लोगों से मिली दो चीजें कॉमन थी सेलिब्रिटीज में, एक कह रहे थे कि हम खान साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं सारे जितने सेलिब्रिटीज आए, और दूसरा कह रहे थे कि जी हम रमजान में डाइट नहीं करते। ये बात सच है, रमजान में डाइट नहीं करेंगे। रमजान में कोशिश शायद इजाज असलम आए थे, बस उन्होंने कहा यार मेरी तो डाइट जिंदगी। मैं इजाज से एक्चुअली मिली थी और इजाज तो बहुत ही, वो पकोड़े और ये सब बिल्कुल भी नहीं खाते। पकोड़े और मैं खा रही थी और वो बिल्कुल वो मुझे देख रहे थे, मैंने कहा अच्छा सही है। इजाज भाई तो आई थिंक इंडस्ट्री में वो इंसान है जो सबसे कमाल की डाइट है उनका। हां कुछ भी हो जाए वो नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं देखा है इतने सालों में उन्हें कि उन्होंने कोई अनहेल्दी चीज खाई हो, उनके चीट डेज नहीं होते। नहीं, और ये कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है डाइट करना, बहुत मुश्किल है भाई। हमारे तो चीट डेज नहीं होते, हमारे पूरे साल चीट डेज ही होते हैं, डाइट दो चार दिन के लिए हमारे डाइट डेज आते हैं, बाकी चीट चल रहा होता है। अच्छा मुझे बताया सनम, आपने भी ट्रांसमिशन की जबरदस्त एक्सप्रेस न्यूज पर हम साथ साथ काम कर रहे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपके साथ एक और होस्ट भी थे, उन्होंने भी जबरदस्त, जीशान, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और बच्चों ने मिस किया कि या बच्ची के यार कहाँ है अम्मा, क्यों नहीं होती घर पे? अच्छा एक्चुअली वो क्योंकि अलाया खुद इतनी बिजी है, उसकी इतनी क्लासेस हो रही होती है, तो उसको वो थोड़ा सा ही टाइम था, तो उसको इतना पता नहीं चला। ऑब्वियसली उसके बाद तो मैं उसके साथ होती थी और सुबह भी, बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थोड़ा मैं घबरा रही थी ना, अच्छा, बट देन टीम क्योंकि इतनी अच्छी थी एक्सप्रेस न्यूज की, उसके साथ में आए, होस्ट वाज वेरी सपोर्टिव, और उनका एक अपना पहली ट्रांसमिशन थी, उनकी पहली ट्रांसमिशन, उनको सहारा दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने सहारा दिया, लेकिन कंटेंट उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, तो ही वाज अ प्रो इन दैट, जबरदस्त। सो वो जो एक टीम अच्छी बन जाती है ना, देन इट्स ऑलवेज टीम अच्छी होना, को-होस्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और जब को-होस्ट मियां हो या को-होस्ट बीवी हो तो फिर क्या होता है, फंडे होते हैं या नहीं होते, ये मुझे पूछना है। हाउ वाज इट एक दूसरे के साथ शो करना, को-होस्ट करना? पहले तो उन्होंने आपको अप्रोच किया, आप लोग का खुद आइडिया था कि नहीं यार हम दोनों को साथ में नहीं, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल नहीं कहते कि हमें एक साथ ले लो ड्रामे में, हमें साथ ले लो, अल्लाह का बड़ा करम है, हम ऐसा नहीं करते, हमें माशाल्लाह हम अवॉइड ही करते हैं, इतनी मोहब्बत तो नहीं, माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी वर ऑफर्ड। एंड सबसे बड़ी बात जो कपल शो में कहूंगी कि कपल शो की जान है आगा, मैं सच बात बोलूं, मैं कहती हूं कि इवन अगर मैं पहले दिन चली गई हूं, मैं रेडी हो रही हूं आगा से पहले, जब तक आगा सेट पे नहीं आते और आगा एक दो गाने नहीं गाते तो सेट की एनर्जी नहीं आती वापस। क्या बात, सब मिस कर रहे होते हैं, आज गाना सुनते हैं ना, गाने की आवाज, हम तैयार हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटी कपल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी कपल है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो सेलिब्रिटी कपल भी साथ में काम करता है और इतना अच्छा काम करता है, लेकिन उनकी लड़ाइयां होती हैं, तो वो सेलिब्रिटी कपल बहुत बहुत ही अच्छा एक दूसरे के साथ, इतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक की दो शादियां हुई हुई हैं, और तो एक बीवी को बुला लिया है हमने कि दो आती हैं तो फिर मसला हो जाता है यार, आप लोग के लिए सरप्राइज है, वेरी सॉरी यार, हो रही हूं कि बोल क्या रही है, एक की दो बीवियां हैं और बुला रही हूँ उन्हें, आप लोगों को एक की दो बीवी है। हाँ, तो एक बीवी के साथ हमने यहाँ बुलाया ताकि यार लड़ाई शड़ाई ना हो ना। मैं जानता हूँ आप किन की बात कर रही हैं, आप सब की, आप लोगों की भरपूर ताली में फैजान और आदि, आदि अदील अमजद आ रहे हैं, वो सेलिब्रिटी कपल यहाँ परफॉर्मेंस हो सकती है आपको, परफॉर्मेंस
अस्सलाम वालेकुम आगा कैसी है ना कैसी है सनम को परेशान होते हुए देखा जब आपने कहा एक आदमी की दो शादी हुई हुई मैंने कहा ये सनम ने कहा ये क्या कर रहा है ना ओपनली और इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया जा रहा है कोई बात नहीं यार अब तो कर रहे लोग ढीठ हो गए चार चार शादियां कर रहे हैं कोई कुछ बोलने वाला नहीं चार चार नहीं उन्होंने अभी तीन की हैं यार आपको क्या पता नहीं मुझे पता है तीसरी वाली देखी मैंने कैसी है टिकटॉकर है अच्छा यार छोड़ दे प्लीज पापा यार मैं तो किसी और की बात कर रही थी मैं अच्छा, जी, पीछे मोहल्ले में असल में ऊपर आमिर भाई रहते हैं ना आमिर सोहेल आमिर भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की क्या हो गया किसने किया मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करी आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं आमिर सोहेल साहब आमिर सोहेल लॉन्ड्री का काम है हां ये इधर पीछे वाले मोहल्ले में हमारे रहते हैं उनकी बेटी देख रही है अच्छा तो फिर यार अभी रमजान गुजरे पक्का वाला शैतान खुल गया आदि का जी जी मेरा तो बहुत सारी चीजें और खुल गई मैं बांध गया हूँ पीछे मैंने कहा कि फैजान अभी आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होने वाली है तो उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगी उस मुलाकात में मैंने कहा क्योंकि मैं उनकी पहली बीवी के साथ उनको बुला रही हूं आउटसाइडर्स यही करते हैं घर में लड़ाइयां कराते हैं काम किया लेकिन उनको बुरा ही नहीं लगा आदि तुम एक्सेप्ट कर गई है वो यार बस ने कहा क्या कर सकती हूँ बल्कि तुमने एक्सेप्ट किया है उसे देखिए असल में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे दो ऐसे दोस्त मिले हैं yes. जो शादी से पहले भी मेरे बहुत करीब थे yes, और yes, शादी yes. के बाद और ज्यादा करीब हो गए अच्छा तो क्या ऐसे भी इसमें आंसू आंसू थोड़ा गिरा देंगे तो रेटिंग आ जाएगी जी सुन आप बहुत अच्छा कर रही हो आपका सेट बहुत खूबसूरत है ऐसा सेट मैंने नहीं देखा बहुत प्यारा थैंक यू बहुत अच्छी लग रही है और एक्सप्रेस की क्या बात है क्या खाना लगाया ये लास्ट सेगमेंट वाला था क्या गाड़ी में पहली कर दिया आपको पता है ना जो अच्छा सेट बनता है उसमें खून पसीना शामिल होता है लोग मेरे साथ एक ऐसी खातून बैठी है इनका वाकई खून पसीना शामिल है ये सेट पर आई थी यार गिर गई खून आई मैं गिरी हूँ शो खत्म हुआ और ये गिरी नहीं मतलब ये थोड़ा सा ये चोट लगी हुई और ये चोट मैं दिखा नहीं सकती घुटने पे भी कि मैं जब नमाज करते हुए इसको बेंड नहीं कर सकती इस सेट में खून पसीना तभी इतना प्यारा लग रहा है तभी इतना खूबसूरत लग रहा है तभी इतना प्यारा लग रहा है तो देखें भाई सब बोल रहे थे दोस्तों का मेहंदी तभी बिल्कुल ऐसा ही है तो जनाब यहाँ पर ये सब तो लोग मौजूद हैं लेकिन एक गुलुकार यहाँ है मैं एक और गुलुकारा को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ अगर आप सबकी इजाजत हो जी 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 बहुत जबरदस्त वेरी यंग वाइब्रेंट बहुत अच्छा गाती है क्या खूबसूरत कवाली शवाली वाले जब जोन में चली जाती है तो मजा ही अलग हो जाता है आप सब प्लीज तालियां बजा दें नताशा बेग हुल हुला के इश्क दुआयां हुल हुला के इश्क दुआयां हो मोहब्बत डाडा शोर मचाया मोहब्बत डाडा शोर मचाया सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी आतिश लाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है हो यार सानू हो दोस्त सानू हो यार सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई 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 है थैंक यू कैसी हैं आप नताशा इतना आपने तो हालात बदल दिए इस सेट के बैठिए प्लीज माजरत क्या आपको आदि के करीब ईद मुबारक ऐसे बिल्कुल पता नहीं चला कि सीडी चल रही थी इतना आप क्लियर बहुत अच्छा लिरिक्स किया आपने नताशा के बारे में सबको पता है कि बहुत चंद लोग हैं जो लाइव गा सकते हैं और यार ये बहुत अच्छा गाती हैं यार ये माहौल फिर बहुत सारी ये ब्रेक ले रहे आगा आगा वो तुम्हारा कैमरा आगा प्लीज जी आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग इस वक्त एक्सप्रेस में मौजूद हैं ईद का दिन है तो जल्दी से आते हैं हम लोग ब्रेक के बाद आप भी आइए
मेरी तरफ से भी और बाकी जितने होस्ट इस कमरे में बैठे हैं उनकी तरफ से भी इस मोहल्ले में। एक्चुअली हमने तमाम देखने वालों को अभी तक ईद मुबारक नहीं कहा, मिलके कह देते हैं यार ईद मुबारक। अच्छा जी, मुझे पता है सब इंतजार कर रहे होंगे हिना से और आगा से सवाल करें, ये लोग भी बहुत इंतजार करें कि सबसे पहले उनसे सवाल किए जाए। कुछ खास सवाल तैयार किए हैं मेरी टीम ने आप लोगों के लिए। मैंने कहा था खतरनाक सवालों से बहुत डरती हूं। नहीं नहीं यार कोई ऐसे बताइए, शादी के बाद ईद का क्या फर्क पड़ा? खुदा की कसम वो वाली पर्चियां निकाल के साइड पे कर दी, मैं वही कर रही थी। दूसरी ईद कैसे की? ईद पर क्या मिला आपको बताइए। नहीं बिल्कुल ये सवाल नहीं है। अच्छा ओके ग्रेट। आपसे मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगी जिसके लिए मैंने फोन भी यहाँ रखा है क्योंकि उसका प्रूफ भी मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बेगम को कितना अच्छा जानते हैं और हिना आपको कितना अच्छा जानती है, ये आज पूरा पाकिस्तान देख लेगा। अरे ये तो कितना नया और अनोखा सेगमेंट है, पहली दफा हो रहा है, फर्स्ट। पूरा पाकिस्तान देखो, तुम लोग का भी शो है आगा और हिना। अच्छा पहले आसान सवाल से, पहले आसान। नहीं 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 यार, ये इस कपल के बारे में सारे राज फाश हो चुके हैं, पूरी दुनिया को इनके बारे में एक खुला पिंडोरा बॉक्स है ये दोनों कि हम इनके पास बात करें। न्यूज़ का शो है, क्या कर रहे हैं? सच, हम सच सामने लेकर आएंगे आज इस शो में कि इन दोनों के रिश्ते की हकीकत क्या है। इसी सेगमेंट में ब्रेक के बाद नहीं, शुएब मलिक के आने से पहले, और वो दूसरी गेस्ट जिसका नाम अभी मत लेना, कुछ तो लेना नहीं, 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 नहीं। अच्छा जी पहले आसान से सवाल करती हूँ, हिना एज एन एक्टर ज्यादा अच्छी है या ज्यादा वाइफ? ये ऐसे वार्म अप क्वेश्चन, सच बता देना। एज अ वाइफ, एज अ वाइफ बहुत अच्छी है। हिना अल्ताफ की अम्मा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो सवाल जो कि बिल्कुल कितने साल की है ये बता दें। नहीं नहीं भाई ऐसे कहाँ होगा, आगा यार मंथ इतना प्यार तो नहीं होगा। इतना थोड़ी है पगली, क्या हो गया? नहीं मुझे आगा की अम्मी की डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं याद। नहीं याद, चलो बैलेंस हो गया। आसान सवाल यार, आसान सवाल पूछेंगे। हमारे इन-लॉज में, हमारे खानदान में जब किसी की बर्थडे आने वाली होती है ना, हमें दूसरे को फोन करके बताते हैं, कॉल कर लेना बर्थडे है, कॉल कर लेना बर्थडे है, दूसरे की इज्जत बैलेंस करने के लिए। और अगर ना फोन करें कितना बुरा लगता है यार, ऐसा लगता है कि चलो नहीं है लिफ्ट करा रहे, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो थोड़ी इज्जत है ना। आधे ऊपर देख रहे आईज रोल करके, मैं बर्थडे मनाता नहीं हूं। हां बिल्कुल यार, ये जिंदगी का एक साल कम हो जाते हैं ना। और यार ये काफिरों के त्योहार है ये वैलेंटाइन टाइज़ और बर्थडे वगैरह, हम नहीं मनाते हैं। अच्छा बिल्कुल, हम ईद मनाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। क्या आपको पता है आगा के हिना के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कितने हैं? 6.5 मिलियन। ओ माय गॉड, तो रोज़ चेंज हो रहे होते हैं। नहीं आज ही पता है, लेकिन आज भी लेटेस्ट पता है, कॉल चेक कर रही है। 6.5 मिलियन वेरी गुड। ये मत देखिएगा कि बैटरी खत्म होने वाली है। हां शी चेक्ड वाकई, कोई आगा तो चेक नहीं करेगा, पहले नाखून चेक कराएं सर। नाखून नकली है ना। आगा के कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने तो नहीं देखा। आई थिंक पिछले 26 साल से 1 मिलियन है। मैं बोलने वाला था 1 मिलियन। या 1 मिलियन। और फॉलोइंग कितने लोगों को फॉलो करते हैं? जीरो। यार क्या बात है, वेरी गुड। नो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, यू कॉल मी जीरो पीपल राबिया। नहीं करते लोगों को यार। जीरो, वेरी गुड। आई विश इफ समबडी हैज कैप्चर्ड द एक्सप्रेशन ऑन सरम्स फेस। मैं ये कह रहा था, आई विश किसी ने किया हो। ये कट कर, तीन तीन एक्सप्रेशन आके कट कर दे। क्या, क्यों यार, क्यों अपनी बेगम को भी नहीं फॉलो करते, इसकी क्या वजह है? वो भी नहीं करती मेरे। हाँ, ये क्या वजह है? वैसे नहीं, वैसे ये राबिया का सवाल अच्छा है कि बेगम को फॉलो नहीं करते, बेगम भी फॉलो नहीं करते। मैं बेगम के साथ रहता हूँ, दिन रात में उसको देखता हूँ, मैंने जिंदगी के लिए उसको चुना है, निकाह नामे पे साइन किया है, अल्लाह पाक की कसम खाई है। अब मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा तो लोगों को यकीन आएगा कि मैं अपनी बेगम। यार हाँ ना, फिर वरना वो लोग बोलते रहते ना यार, हिना और आगा तस्वीरें नहीं लगाते, तस्वीरें लाइक नहीं, बताएं उनको। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, नहीं मैं ऑनेस्टली बताइए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों की वजह से मैं नहीं करता, चाहता हूँ ये तड़पें। दो दो कपल्स, इनका मियां नहीं है लेकिन दोनों की सेम सिचुएशन है, हर दूसरे दिन ना लोग कहते हैं इस वक्त यहाँ नहीं मौजूद, इस वक्त यहाँ नहीं मौजूद। क्लियर कर दे फिर मजीद से मसला हो जाएगा। यार कैसी चीजें सोचती रहती है यार। वो जो आप रूमर्स की बात कर रही हो, वो ही कह रही हो कि वो फिर कहेंगे अच्छा फिर कुछ मसला हो गया लगता है, इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से क्लियर कर दूं। यार बता दो, वीजा नहीं लग रहा है इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ उनके साथ, वरना भाग के पहुंच जाऊँ, बता दे यार। सबको पता है रमजान में उस दिन हमने बताया था कि
बस वेट ही कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जबकि ऐसा भी नहीं है सनम के केस में कि सनम ने बहुत कुछ शेयर किया और एकदम से शेयर करना बंद किया। हाँ, सनम का हमेशा से रिलेशनशिप शेयरिंग जो व्यूअर्स हाँ, के साथ वो हमेशा से बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ा यू नो बट दे वांट के साथ। कभी कभार लोग कहते क्यों इनके ओ बेटे की बर्थडे पे इनकी शान नहीं है कोई, माय गॉड नहीं है ना, वो यहां तक ये मसला पायलट है वो फ्लाई कर रहा है, मैं क्या करूं। हिना और आगा कोई मसला नहीं कि बच्चों की बर्थडे पे पूछेगा कि मियां क्या है अभी भी है, तुम लोगों की वजह ऐसे कपल्स की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, नहीं, इतनी पिक्चर्स लगाते हो हाथ में देखा आपने, यही ना यहाँ से कुछ गलत नहीं दिखा, साथ रहता है इसी वजह से इन लोगों के ऊपर इतना सोशल प्रेशर है। ये क्यों करते हैं आप यार ऐसे? अच्छा आपके वो ऑडियंस नहीं था, मुझे जलील कर रहे हैं। इस कपल का राज फाश हो के रहेगा आज। अच्छा बस आखिरी सवाल है, हिना की एग्जैक्ट हाइट कितनी है यार? 5 feet and 6 inches. No, I don't think so. That's how I feel. It's all right. That's after the shoes. After the heels, yeah. See? नहीं यार वाकई कितनी क्या है? 5'4". 5'4" हाँ. यार 5'3" or 5'4" तो मेरी height. ये गुफ्तगु बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी height दी है. बहुत अच्छी height है. मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा लंबी है. पूछ लेना जल्दी से. बताएँ. 2. अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल सही है, ये कपल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करता है। हम आज अच्छा आपके कपल पर आ जाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। कभी कभी आदि ने खाना बनाया आपके लिए? जी आदि ने क्या बनाया? जितना आता है इसको पूछे ना, मैंने इसको नाश्ता बना के दिया है। नाश्ता में अंडे वंडे। बीवी कहाँ थी आपकी जब ये नाश्ता बना? तो शादी नहीं हुई थी मेरी। अच्छा फैजान बताएं ईद पर बेगम को क्या तोहफा देते हैं? ईद के दिन सुबह कितने बजे उठते हैं? ये कसम से सवाल है। ईद के दिन उठते नहीं, ईद के दिन रात से जागते बाहर हो। क्या रात में? नमाज नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के लिए मेहंदी लगवाने गए, चूड़ियां दिलाने। खत्म हो गया है मेरी। क्यों यार लगवाओ? पिछले 2 साल कोविड रहा है। जी जी तो कौन ने किसने मेहंदी लगवाई है? थिंग्स आर बेटर ना अब तो, थिंग्स आर बेटर ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी क्या चूड़ियां दिलवाने गए है ना। जी खुद मेहंदी लगाई हमने ताकि ताकि वो ये भी बचे हम भी बचे और फिर दुनिया भी बचे। अगर दिखाओ मेहंदी दिखा नहीं सकते, इट्स वेरी पर्सनल। हाथ दोनों बस दिखाएंगे नहीं। सवाल किया था चूड़ियां दिलवाने गए, मुझे पता था कि हां ये बात सच है कि जब मेरी पहली ईद थी तो आगा ने मेरे मेहंदी लगाई थी। अच्छा की रिस्ट्रिक्शन बहुत ही और हम कहीं नहीं जा सकते। बेहतर थी, काबिले कबूल मेहंदी थी। बड़ी अच्छी लगाई थी, बहुत प्रो, बहुत फोकस के साथ आगा ने लगाई। आगा आर्ट इसमें है, आर्टिस्ट है एक लिटरली, वो है तो है ही आर्टिस्ट, उसके अलावा भी स्केच वगैरह अच्छा कर लेते मुझे ऐसा लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में ये सब किया है तो थोड़ा सा जी है। No, there are other colleges also that you know, because I thought you were. No, I actually did a 3-month diploma there. Achha. It was actually 6 months, but I left in 3 months. बताया नहीं था कि आप अच्छा एक और सवाल है फैजान के लिए, एक और सवाल है। होस्टिंग सीखी, अदाकारी सीखी फैसल कुरैशी से जिन्हें आप अपना उस्ताद समझते हैं? मैंने उनसे होस्टिंग और अदाकारी के अलावा किस तरह रहते हैं ये सीखा। क्या बात है, फैसल कुरैशी एज अ पर्सन इतने जबरदस्त इंसान है। मैं आपको सिर्फ ये बात ऑन अ सीरियस नोट बताना चाहती हूँ कि मैं 4-5 साल दुबई में रही तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू चैनल्स पाकिस्तानी आप देख सकते हैं, तो उसमें आप लोगों का चैनल आता था और मैं और मेरे हस्बैंड कोई और चीज़ पाकिस्तानी नहीं देखते थे, हम वो शो देखते थे। कभी सोचा कि फैसल भाई के साथ, बिकॉज बहुत कम होता है, बहुत रेयरली मुझे वो एंटरटेनमेंट वाले शोज करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, आपको अंदाजा होस्टिंग से हो गया होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी कोई टीम ऐसी बन जाए जिसको देखकर रोजाना सुबह सुनकर मजा आए, यार बंदा बोर ना हो। आप लोग की ऐसी केमिस्ट्री बन गई थी, क्यों ऐसा नहीं सोचा कि यार कहीं और शो कर लेते हैं? नहीं ऐसा सोचा तो नहीं हमने और ऐसा हुआ भी नहीं, लेकिन हम अपना अपना शो कर रहे हैं, लेकिन हम शो के अलावा भी एक दूसरे से मिलते हैं और जो आप यार आप हाँ आप वो मिलते हैं सब, लेकिन पब्लिक देख वाकई देखना चाहती है, देखना चाह रही है, चैनल दिखाना नहीं चाह रहा हमें रस नहीं रहा साथ कह रहे हैं महंगे पढ़ने नहीं लगे कितना पैसा लेना शुरू हो गए हो यार वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना
महंगा पड़ रहा है, तीन लड़के महंगे पड़ रहे हैं, इसलिए एक अलग जगह रखे हुए दो अलग जगह. सारे होस्ट बैठे हैं, सबके जो दिल के पपोटे ना फटने शुरू हो जाएंगे. रिस्पेक्ट टू फैसल कुरैशी, नो डाउट बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन. यस, उस मॉर्निंग शो की जान थे ये, बिल्कुल थे. वेट करते थे कि ये लोग कब आएंगे, इनको कब देखा जाएगा. सुनो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको इतना ग्राउंड देते हैं अपने साथ. लेकिन फैसल भाई का ये बड़कपन है कि वो कहते थे पूरा पूरा शो करो. आगा मुझे बताएं कि मॉर्निंग शो के होस्ट जब शादियां करवाते थे तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रेटिंग बहुत आती है, सब देखते हैं, लेकिन फिर बुरा भला भी बोलना पड़ता है. आप लोग जब ऐसे शोज का हिस्सा बने तो लगा कि यार गलत किया है या बस नहीं अच्छा था, मजा आया? ऑनेस्टली नहीं बने. जब ये वाला शो था उसमें भी आई ओनली हैड टू बी देयर फॉर दैट पार्ट. मैंने सिर्फ परफॉर्म करना था दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. या मैंने ही बैठा उस शो में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हो सकता है. यू नो हर शो का अपना नेचर होता है, तो वो सही लोग बड़ा जरूरी है उनके लिए. और हमारे पास बहुत सारे लोग उन दिनों में थे जो हर शो में दिखते थे, रेटिंग भी आती थी. और मुझे लगता था वो उनका काम था, वो नया था, तब तक लोगों ने एंजॉय किया. जब कंटेंट बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर ऑडियंस का बैन हो गया, शादी भी कम ऐसा नहीं है. उसके बावजूद भी उन्हीं चीजों की रेटिंग आती थी, व्हिच इज व्हाई वो वीक्स होते हैं. सैडली हमें ऐसा लगता है कि ओवरडू हो गया, लेकिन वो बिल्कुल अजीब. जब आप नंबर्स देखते हैं यू आर जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है. तो मैंने फाइनली अब वो पत्ता, तुर्क का पत्ता कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, सही क्या कहते हैं, पूछ भी मैं, कोई भी पत्ता नहीं, आईडिया नहीं. मैं वाकई उस सेलिब्रिटी को बुलाना चाहती हूँ. क्रिकेट के मैदान में जब उन्होंने खेला तो क्या जबरदस्त, वहीं से सुपरस्टार बने. जब वो क्रिकेट के मैदान से बाहर आए, उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में छक्का मारा एक ऐसा कि लोग हैरान परेशान रह गए. बॉल इतना दूर तक गई कि सरहद पार कर गई, और इतनी पजीराई मिली कि आज तक उनको शादी करने पर पजीराई मिल रही है. बड़ा काम होता है यार, क्योंकि उन्होंने इतनी जबरदस्त खातून से की शादी. और क्या ही कमाल इंसान है, मैं उनसे पिछले रमजान की ट्रांसमिशन में मिली. वो ट्रांसमिशन कैसे खत्म हो गई मुझे नहीं पता चला, बिकॉज ही हैज गॉट अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. आप सबकी भरपूर घर में बैठे लोगों की तालियों में अगर इन्होंने बजा दी तो शुक्रिया. Let's invite Shoaib Malik. Arey Shoaib Malik. भाई बताएं, सबसे ज्यादा खवातीन आपकी रमजान में दोस्त बनती हैं, फिर वफादारियां तब्दील हो जाती हैं, यार इसकी क्या वजह है? रमजान में नहीं है, सिर्फ नहीं ना, वो मुझे रमजान में है. बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल. नहीं, रमजान के अलावा भी पहले आपकी कोई एक्ट्रेस होस्ट बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं, फिर आप गेम शो में किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, वफादारियां तब्दील हो जाती हैं, ऐसा क्यों करते हैं यार? वो सिर्फ आपकी सोच है. मेरी सारी दोस्तें बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में आपकी, सारी, क्या आपका सारी हैं और सारे हैं, यही मैं कह रही हूँ. अब नाम लूंगा तो ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, फिर ये लोग बात नहीं करेंगे. नहीं नहीं, इनसे बातें बहुत सारी हुई हैं आपके आने से पहले, इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, अभी थोड़ी शो तो स्टार्ट हुआ. दूसरे लोग बुलाओ. दूसरे लोग हम बुला रहे हैं. शोएब मलिक ने ये बॉल खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है. एक बेस्ट फ्रेंड को हमने कभी इसमें बॉल नहीं खेलते. एक बेस्ट फ्रेंड को हमने यहाँ बुलाया है. ग्रैंड एंट्री होती है ना सेलिब्रिटी की, वो है क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा अजीज है. यहाँ बैठे शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि बल्कि शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि जब मैं इंडस्ट्री में आने का ख्वाब देख रही थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, और मैंने कहा कि यार मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ एक ब्रांड का, और कहा गया कि जी आप इसमें पार्ट लेना चाहती हैं तो ले लें, मुझे कहा गया स्टूडेंट लाइफ में. तो बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने भी वो एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, और आप यकीन करें कि जब मैं उसमें जीत गई, कैसे मुझे नहीं पता. तो ये थी वो खातून जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और इनके साथ मैंने इंटर्नशिप की, और उसके बाद से अब तक मेरा और इनका स्टूडेंट और टीचर वाला रिश्ता है. लेकिन ये मेरी बहुत बहुत प्यारी सहेली हैं, और मैं आज के दिन तक इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. पाकिस्तान की जबरदस्त मॉर्निंग शो होस्ट, अभी भी मॉर्निंग शो कर रही हैं, एक बहुत ही बेहतरीन, और साथ में ड्रामास जब किए तो कमाल के ड्रामास किए इन्होंने. आप सबकी तालियों में
Shaista Lodhi, everyone. ईद मुबारक, ईद मुबारक, दो दिन क्या ईद मुबारक, ईद मुबारक, यहाँ यहाँ आ जाइए आज दो यहाँ आप अपनी जगह पे बैठे, ये चीज़ आप वहाँ नहीं बैठ रही, आप यहाँ बैठिए, ये बेंच आपके लिए लगाई गई है, प्लीज बैठे आप यहाँ. ओह माय गॉड, एंड इट जस्ट स्टार्टेड. अरे अरे बाप रे, नो नहीं, ये घर में पकाते हैं. नहीं नहीं, ये कई दफा इस्तेमाल भी करते हैं. गुड, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी दोस्ती है जी, बहुत प्यारी लग रही है ना जी, आप बहुत. ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को. आप इधर बैठिए, खास तौर पर आप दोनों ने. हां बस यार, ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है यार, ये मेरी टीचर है यार, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, लड़की है, बहुत बहुत शुक्रिया. हम लोग चले जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये था सरप्राइज, बस दो होस्ट, दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं. शी इज वेयरिंग ब्लैक, यू वेयरिंग व्हाइट, बहुत अच्छा लग रहा है. ऑपोजिट, ब्लैक एंड ऑपोजिट, बात कर लड़ भी रहे हैं. हम लोग डिसाइड करके आए थे. मैं उसे तंग करता हूँ, लेकिन ये मतलब मेरी बहुत प्यारी दोस्त और बहुत पुरानी दोस्त. डॉक्टर साहब बताइए, क्लिनिक रमजान में गेम शो की गहमा गहमी, मैंने कहा चार चांद लग गए, तो आपने पीछे से क्या कहा था? रोंदू है ये, रोंदू है आप? हाँ खाई, रोंदू जो है वो नजर आता है. किसकी बात हो रही है? आपकी पिच पे भी यही करते हो शोएब, आप टीवी पे तो ना करो नहीं है, ठीक है? पिच पे नहीं हो, ओवर नहीं हो, मैं ऐसे हो जाती हूँ. कैसे है ये आपके दोस्त और फिर गेम शो के साथी? वाकई रोंदू में? नहीं नहीं नहीं, रोंदू वोंदू नहीं है, लेकिन गेम शो में तो हम लोग एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन बन जाते हैं ना, जितना भी अच्छा सामने. सही बात है, उस वक्त तो आपको खुद जीतना होता है, तो बस ठीक है. ईद बताएं कैसी गुजरी अभी पूरा दिन, और रमजान में इतनी मसरूफियत, बुला लिया शाम में, रात हो रही है ना, तेरा भी दिख रहा है, सब दिख रहा है शाइस्ता. यार शाइस्ता ने इस बार आप सबने देखा होगा कि इन्होंने खूब इफ्तारियां बनाई हैं, इतनी बड़ी टेबल, वो सारा वाकई आप बना दी थी एंड में आप. जी जी जी, एंड में नहीं, मैं बनाती हूं जब घर में मौका मिलता है, तो उस वक्त मुझे बहुत शौक है. ओके, खाना बनाने का नहीं, खाना सजाने का, खाना सजाने का बनाने का कोई शौक नहीं, और खाने का. और आंखों से बंदा आता तो खा लेता है, अब जितना अच्छा सजा रही होती हैं, तो वो जितनी खूबसूरत उसको आप उर्दू में न्यूज एंकर रही हैं, तो वो तो. तो मियां फुल खुश हुए कि इस बार रमजान में अच्छी इफ्तारियां, अच्छी सारियां, और आपने कहा कि बहुत अरसे बाद बच्चों के साथ कोविड शुरू हुआ, टाइम मिल गया, तो लेकिन कोविड के बाद अब जो ये रमजान है, सब खुल के कमा रहे हैं हर जगह. यार ये क्या बात है, सही बता रही हूँ यार, जैसे आप कुछ जीतों से आई हैं. कुछ जीत कर आप इनके माशाल्लाह क्लिनिक्स पे जाएं. जी जी हाँ जी, मैं बहुत लोग हैं माशाल्लाह, मैं गई हूँ भाई हर जगह, मैं गई हूँ और वाकई क्लिनिक पर बहुत रश था, तो मैंने कुछ करवा नहीं वापस. मैं क्या था, बहुत रश था, फिर लेकिन आगे दरवाजा बंद क्लिनिक पे गई, आपने क्या करवाया था? मैंने कहा ना बहुत रश था, मैं वापस आ गई, कुछ नहीं करवा. लेकिन आप गई क्यों थी यार? वो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने. निदा यासर के मुझे व्हाइटनिंग इंजेक्शन से ज्यादा आपने कहा कि वो बच्चे के लिए सेब खिलाते थे सानिया को, ताकि बच्चे, तो डॉक्टर साहिबा के होते हुए यार बच्चा बड़ा होता, व्हाइटनिंग इंजेक्शन. सेब वैसी सेहत के लिए अच्छा है, लोग उसको ना मैनिपुलेट कर देते हैं. बहुत गलत किया, जैसे अभी आपने किया, जैसे अभी आपने किया, इन्होंने कहा बच्चे को गोरा करने के लिए वो सेब खिलाती थी ना, क्या जरूरत है गोरे की? Exactly. सही बात है यार. अगर गोरा ही रहना था तो हम धूपों में खेलते रहते. बिजनेस खराब कर रहे हैं. नहीं, मेरा बिजनेस बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट क्लेम, सिर्फ ये नहीं है, आई डोंट क्लेम कि आप गोरे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं. मैं चाहती हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान को पता चले, वो जो गोरे होने के इंजेक्शन होते हैं ना, उससे सिर्फ वो गोरे होने के लिए नहीं है, वो असल में क्यों होते हैं आप बताएं.
में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके सिस्टम को क्लीन करते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है, इसका जब इसका अगर हम देखें मेडिकल बैकग्राउंड तो वो जो कैंसर के पेशेंट्स थे कीमोथेरेपी के बाद वो सेंस ऑफ वेलबींग के लिए दिए जाते थे 70s की बात। उसके बाद वो होते होते फिर वो डर्मा में आ गए, डर्मा से फिर एस्थेटिक्स में आ गए। तो ये तो गोरा होना उसका बाय प्रोडक्ट है। और बाय द वे हमारे सब कॉन्टिनेंट में उसको गोरे होने के इंजेक्शन कहा जाते हैं। मैंने प्रिटोरिया में प्रिटोरिया में भी प्रैक्टिस की है, वो गोरियां लगवाती हैं मगर वो गोरे होने के इंजेक्शन लगवाती, वो काले होने के लिए लगवाती हैं अंदर का सिस्टम साफ करने के लिए। अच्छा सेलिब्रिटीज क्यों आते हैं, सेलिब्रिटीज क्यों लगवाते हैं वैसे हमारे सेलिब्रिटीज? जी जी मैं नहीं बात करूंगी इसमें, आई थिंक इसी रीजन की वजह से लगवाते होंगे ना कि अंदर से एनर्जी बहुत आ जाए। मुझे लगवाने रमजान में लगवाने चाहिए थे यार, एनर्जी की बहुत जरूरत है। मैंने नहीं डालते हैं वो रोज लगवा के आते हैं, मुझे नहीं जरूरत नहीं खासी बूस्टेड होता भाई काफी है यार भाई बोल यार बहुत अच्छी क्यों रही है। मैंने नहीं सुना क्या बोला क्या कोई भी भंगड़ा डाले नॉन में जैसे शो में जाके भंगड़ा डालते हैं वो इंजेक्शन लगवा के यार क्या पता वो नहीं बता रही ना वो अदनान सिद्दीकी कुछ भी नहीं उन्होंने वो उनकी रूही वो है ही इंसान ऐसा वो बड़े मजे अदनान सिद्दीकी बहुत मजे की। अच्छा चले जी अब मजे की एक गेम खेलने वाले हैं हम और शुरू करेंगे हम नताशा से फाइनली। नताशा अरे वेलकम टू द शो, बहुत सारी नताशा के लिए बहुत सारी जबरदस्ती चीजें हैं। यू हैव टू पिक वन कोई भी एक चीज और वो पिक करने के बाद द थिंग इज कि आपको इंडस्ट्री के किसी भी शख्स को वो गिफ्ट करनी है चीज और आप रीजन बताएंगी कि मैं ये चीज उसको क्यों गिफ्ट कर रही हूँ। I don't know. असल में आप ये खेलें हम बातें करते हैं। नहीं ये एक चीज पिक करने के बाद आप आदि को बास्केट एक चीज उठानी है, एक चीज गिफ्ट भी करनी है किसी एक्टर को या किसी आर्टिस्ट को। बड़ा नहीं किसी को भी, किसी को भी और बताएं कि उन्हें क्यों दे रही है वो ये चीज। जैसे वो टेप उठा के उन्होंने शाइस्ता के ऊपर लगाई, ये टेप किसको? आमिर लियाकत। ठीक है टेप पसंद की और आपने कहा आमिर लियाकत को, माइक गिर जाता है इसलिए आदि को दे। जी आदि भाई सेम टेप निकाल के अपने पास रख ले, टेप निकाल ताकि दोबारा मैंने आपको तो दे दिया। अच्छा मैं दूंगा ये ग्लासेस, ये किसको? इजाज असलम को। क्यों भाई? उनको रात के 3 बजे भी बुलाओ तो ये पहन के आते हैं। अच्छी बात है यार कलेक्शन। मैंने ये नहीं कहा बुरी बात है, मैंने कहा ये मन को। तुम रात को 3 बजे एजाज असलम को क्यों? कौन है? हसन जहांगीर वो भी पहनते हैं जी। एजाज भाई पहनते हैं। सब क्वेश्चन के रात को 3 बजे तो और किसको देंगे और क्यों? हमारे राइटर्स को गहरी बात की है लड़के, गहरी बात है। जो लोग अभी लिख रहे हैं उनको पहले पढ़ने की जरूरत है। ओए होए क्या बात है, ये आएगा, ये अब जाएगा गैलेक्सी पे आएगा, वायरल करो यार दीवा मैगजीन। जो लिख रहे हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है, दीवा मैगजीन को भेजे। यार ये आप बातें कर रहे हैं यार, क्या है यार टीचर ही चीटिंग कर रही है टीचर। उसके अलावा एक और चीज ये मैं राबिया आनम को दूंगी बिकॉज रमजान ट्रांसमिशन इस तरह आपको इसकी बहुत जरूरत, आप ये रख ले और अगले साल हर रंग में पहनिएगा। मुझे इसकी भी बहुत जरूरत है और वाइटनिंग इंजेक्शन की बहुत जरूरत है एक्सप्रेस वालों ने। प्लीज एक दो और चीजें पिक करके हमको भी बता, खत्म ही कर दो बास्केट आप। एक चीज अब ये आप रख ले, हमारे तक ना ही है ये, आप सबका गिफ्ट है। जो जो चीजें आप चूज करें आप घर लेकर जाएं। अच्छा लाइव मेरी किताब। हां हां बिल्कुल नहीं, ये मैं पैसे लूंगी ठीक है, और ये मैं पैसे दूंगी आगा और हिना को, उनके शादी के बाद पहली दफा यार वाह 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 नकली नोट है, वेरी स्मार्ट। एक तो इतना लेट दिया वो भी नकली नोट है, वेरी स्मार्ट। और नकली भी ऐसे कि आपको धोखा प्रॉपर फोटोकॉपी है प्रॉपर, मतलब वो ईद मुबारक भी नहीं है। बेसिकली ये है कि वो लड़ाई कराना चाह रही है। हां ये आप रख लो। अच्छा वैसे आगा एंड है ना सलामी अच्छी खासी मिली थी या? मुझे बहुत सलामी मिली थी
आमा को मेरे कंपैरिजन आई विल बी ऑनेस्ट कम मिली थी मुझे ऐसे बहुत फजूल सवाल है आई नो लेकिन फजूल ही पूछ रही हूं सवाल मैक्सिमम लिफाफे में कितनी सलामी मिली थी एक किसी लिफाफे में यार ऐसी बता दे कोई बात नहीं इतना मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैंने वो पूरा टोटल किया तो अच्छा खासा अमाउंट बन गया किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे पैसे मेरी शादी में नहीं नहीं दो गेस्ट आए स्टेज पर उन्होंने कहा यार लिफाफा नहीं मिला और मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ शो से अकाउंट नंबर बताना जरा नहीं मैंने कर दिया ऑनलाइन ट्रांसफर वाओ बैंक का नाम भी बताया था या वो उन्होंने किसी से डिटेल ले ली ना मतलब जिस चैनल में काम नहीं नहीं आ गया उसी वक्त डिटेल्स और ऐसे कैसे फॉरन नहीं एक के साथ मेरी कमेटी डली हुई थी तो उसके पास सच्ची बात है और दूसरे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिटेल ली और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट स्टेज पे दिखाया और मेरे मियां को और कहा कि ये देखो यार मैंने इतने इतने पैसे कर दिए तो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुआ लकी नॉर्मल शादी आगे बढ़ाते हैं इसको आप भी तो खेलें आप भी तो खेलें ठीक है खेल लेते हैं खेलें अब आपको पता क्या हुआ हाँ क्या हुआ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा हमें भी यही हो रहा था तो हम पे मुश्किल क्यों भाई लाल मिर्चें मैंने चूज की हैं लाल मिर्ची लाल मिर्ची हाँ, इसको देंगे ये मैं आप सबको दूंगी क्योंकि आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं नजर ना लग जाए तो आप सबके सर से वार कर इसको जला दें अच्छा वेरी सेफ एंड शोएब मलिक कोई नहीं निकालेगा शोएब मलिक क्या चीज और क्यों अच्छा जो उन लोगों ने चूज किया वो भी चूज कर सकते हैं वैसे तो वो तो आपने हमें दे दिया कोई बात नहीं दूसरा मंगवा के गिफ्ट कर देंगे वापस करो सब लोग एनर्जी ड्रिंक एक और मंगवा लेंगे इतना है बजट ये बुक तो मेरा ख्याल है आपके पास जी जी हां लेकिन वो नहीं दी उन्होंने क्योंकि आपने राइटर्स को दी कोई है ही नहीं यहां पर ओह माय गॉड बहुत गहरी बात टूथपेस्ट एंड टूथब्रश अल्लाह खैर ये आप सब लोगों के लिए बल्कि जो देख भी रहे हैं उनके लिए जरूरी है लेकिन किसी एक को देना है ना किसी ओरल हाइजीन एक सेलिब्रिटी को देना है भाई आपको ये किसी ने बालों में डाल दिया है बाल लगे हुए हैं ये ऐसे ऐसे कर रहा है लेकिन ये वाइट है जी कैसे तुम्हारे सर में वाइट बाल भी है नहीं नहीं ये पुराना वाइटनिंग इंजेक्शन बालों पे लग रहा था अरे किसको देंगे जी अब ये चूज आप कर चुके किसी एक को देना है दिमाग में है लेकिन उनके लबों पर वो नाम नहीं आ रहा जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करते यार ये क्या बात है आप बताएं ना आप किसी प्लेयर को देने के लिए नाम बताएं किसी प्लेयर को अगर आपके जैसे इतना सेफ खेलने की जरूरत नहीं है नाम बताना हां जो खेला खुद वो मैंने देखा है तो चेंज कर लेता हूं चेंज कर ले आप चेंज कर ले ब्लैक वाला पहना ये मैं शाइस्ता को दूंगा अरे क्योंकि वो हमेशा लेट आती है I admit and I accept it ये गया जी मॉर्निंग शो करने वाली खातून लेट कहीं कैसे पहुंच सकती हैं यार आप नहीं पहुंचे टाइम पे तो मॉर्निंग शो ये तो भला और लाइव प्रोग्राम्स का उसके अलावा तो नहीं होता है टाइम से क्या निकाला क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी है ना लेट पहुंचते हैं फैशनेबल सोच रहा हूं मैं क्या हेयर ब्रश आगा भाई क्या एक और ये वाकई सनग्लासेस हैं ये वो एजाज भाई वाले नहीं ये किसे दूंगा मैं ये बार्बर ये मैं नवाज शरीफ साहब को दूंगा हां लगाइए वो भी लेके रख ही देंगे खुद लिटिल हेयर दैट ये भी रख देना हाथों के बाल नहीं कहां के यार ये तो वाकई बात हो जाएगा हमारे हाथ के बाल कंघी पे नहीं बनाते हम थोड़ी देर तक तो आपको सिर्फ बोरिंग लग रहा था आपने तो बंद ही कर दिया वो तो पूरा कट जाना है तो बंद ही हो गया यार तो जी आपकी बारी ठीक है हेयर ब्रश आगा ने कहा जस्ट टू रिपीट अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं रिपीट कर रही हूं कि आगा ने हेयर ब्रश नवाज शरीफ को गिफ्ट ठीक है सही है नवाज शरीफ साहब साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ठीक है इज्जत माब ऐसे ही मेरा दिल किया कि उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें चम्मच अच्छी बात है इज्जत कभी भी वक्त आ सकता है चमचा ये चमचा मैं आगा को गिफ्ट करूंगी क्यों क्योंकि यूजुअली मैं हमेशा गलत चम्मच आगा को दे देती हूँ आगा कहता है मैं इसे कैसे खाऊंगा घर की कहानी तो ये चम्मच हमेशा आगा के साथ रहेगा कौन सा वाला चम्मच मैं छोटा वाला दे देती हूँ हमेशा सो ये चम्मच आगा आपके साथ रहेगा और कभी आपको प्रॉब्लम आपके साथ घर जाएगा जबरदस्त जबरदस्त बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने चीजें चूज की अगर मैं आप लोगों से इस तरफ वालों से वोटिंग करवाऊँ कि इस तरफ सबसे अच्छा किस किसने चीज चूज की है और गिफ्ट की है तो आप लोग किसको वोट करेंगे आगा ने ये चार पांच लोग डॉक्टर साहब को यहाँ वाले में शामिल चार एंड चार जिनको दिया बहुत अच्छा था
मेरा वोट आगा के लिए। मेरा भी। आगा के लिए जोरदार तालियां। अब आप समेत चार लोग उस तरफ से, आपको लगता है किसने सबसे फैजान ने बहुत गहरी बात की, बहुत अच्छे। अब अल्लाह करे से ड्रामे मिले जरूर, मेरी इस दुआ के साथ हम जा रहे नताशा आपकी तरफ। अरे अरे, जहाँ से बात शुरू होती है वही बात खत्म होती है। नताशा इज दैट इम्पोर्टेंट। नताशा ना होना तो भाई कोई माहौल नहीं बन सकता इस शो का। सब साथ गएंगे मेरे। आगा के पास मैंने माइक ऑलरेडी रख दिया है। माइक है ये रहा, ये रहा। वेल, आई एम फाइन, आई एम वेल। ग्रेट। ग्रेप। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हाय थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, प्यारे 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 जिया रे, हो तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। तारे बिना मोहे चैन ना वे, धक 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 मारा जिया घबरावे, थारे बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जिया घबरावे, बोले बसूरिया सुन ले सवारिया, बोले बसूरिया सुन ले सवारिया, थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे, प्यारे थारे बिना लगे नहीं। आप लोग जोर से गाएंगे, आगा आपके साथ गाएंगे। आगा कहिए तालियां जी, आगा आ जाए आगे। थारे बिना लगे नहीं, थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हाय थारे बिना लगे नहीं आगे। 1 2 3 प्यारे 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 होगा, सुर का डिफरेंस आएगा आई एम श्योर। साथ गा लेते हैं। थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हाय 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 थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। थैंक यू। वेलकम बैक जी, ईद मुबारक। और अजहर भाई जो यहाँ म्यूजिक पर है, और अजहर दी बैंड, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ वाकई ना होते तो बड़ा अधूरा सा महसूस होता आप लोग के पीछे से। और आपकी अभी जरूरत बहुत है इस सेगमेंट में हमें, क्योंकि अभी हम करने ये जा रहे हैं कि खवातीन इस तरफ रहेंगी और मर्द हजरात यहाँ आ जाएंगे। तो हिना आपको इधर आना पड़ेगा और आदि और फैजान आपको इस तरफ आना पड़ेगा। जी
for a reason. उल्टा कर लेते हैं। ऐसा आप भी हिना के हाँ इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। नहीं फिर आपको भी वहाँ जाना। इसलिए रीजन है ना कि यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हैं। इसलिए मैंने कहा। क्या हो गया? कोई बात नहीं यार। अच्छा आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा आपको। कितना रहना है? नताशा आ जाए इधर। शाहरुख वाली फीलिंग आई। उधर बैठ जाओ आदि तुम्हारी अजय दी बैंड बजाएगा एक धुन और हर टीम ने करना है वो गाना गेस अगर नताशा से हम ये गेम खेलने वाले हैं वेरी गुड अगर आपने वो गाना गेस नहीं किया तो फिर आपने वो काम करना है जो बहुत आसान है आपने कोई लेम जोक मारना है जिसपे हंसी ना आए सामने वाली अरे लेडीज ऑफ कोर्स फर्स्ट तो हम स्टार्ट करेंगे बजाए जी अजहर दी बैंड धुन बजाइए पहली नजर में कैसा जादू कर दिया और घर से माइक निकलेगा हमारी बारी है भाई चलो देखिए मैं कह रहा हूं ना लेकिन ज्यादा मजा आएगा जो पहले गेस कर गेस कर पहले गेस कर इन्होंने कहा लेडीज फर्स्ट लेडीज इनको समझ नहीं आ रहा लेडीज का मतलब क्या होता है यार आप देखिए क्यों नहीं लगा तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे पहले यू करके फिर गाएंगे ना अच्छा पता आप लोगों को भी नहीं था कौन सा जिससे डर रहे थे आप लोग सिर्फ नताशा को पता नहीं था कौन सा नताशा क्यों नहीं माशाल्लाह किसी को भी नहीं पता था किसी को नहीं पता था शाइजा जी को पता था क्या सब ऐसे हो गए थे ऐसे इनके घर चोरी हो गई पॉइंट हमारा है इस पल को मिलके आज ही ने जरा कहा था लेडीज फर्स्ट ऑफ कोर्स वीरा जी की तरह लेकिन उन्होंने आपने भाई देखे बात सुनिए आधा पॉइंट मिलेगा क्योंकि एसेंस ऑफ द सॉन्ग है बेबी आई लव यू वो ही नहीं कहा यार ऑपोजिशन यही होता है पार्लियामेंट में ना ऑपोजिशन हुकूमत की सुनती है ना और यही हो रहा होता है इधर भी हो रहा है यार पूरा पॉइंट हुआ पहली बॉल हमेशा ट्राई होती है अब सही वाला शुरू करते हैं बजाएं जी अजहर दी बैंड अब किसकी बारी है क्लियर करते हैं बारी है भाई की बारी सारे रूल क्लियर कर दे आगे के जो पहले हेलो माइक लगा हुआ है रे चलिए मेरे आरे हमारी बारी थी आरे किसकी
लड़की को छोड़ के आरिफ लोहार के लिए तालियां हम लोगों ने गा लिया था और गाया भी असल आवाज और ये खाम खाम है आपकी ये सिंगर ने गाया गाना हमने ये गाना अभी मेरा ही तो दो पॉइंट देने नहीं ऐसा फिर इस बात पे देना चाहिए था ये दुनिया झूठी लोग लुटे रहे बचाए भाई भाई हमारी लड़कियां पागल कर दी वेरी नाइस भाई नसे काट भाई आपस में खेल रहे हो आप लोग भाई आपस में खेल रहे हो आप ऐसे करके बोलेंगे इसकी बारी है अगली धुन बजाए धुन बजाए बिजली बसी है मेरे अंग अंग में जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा सही गाना ही गाया लेकिन अल्फाज गलत है अरे यार ये ना ये क्लियरली ये होस्ट है ना इनके यार अल्फाज गलत है आप हमारी है बिजली भरी है मेरे अंग में जो भी वर्ड डालूं अगर पहली बिजली बस भी तो सकती है पहली नजर ने कैसा जादू कर दिया मैं गाऊं महंगी नजर ने कैसा तो चलेगा आप लोग नहीं चलेगा हम जीत गए नहीं चलेगा हम जीत गए अच्छा चले डन मर्जी हमारा गाना हमारी मर्जी ये चल रहा है आधा पॉइंट इनको मिलेगा गलत गाना छह घंटे से यही पड़े हम खाने का रिस्क कल रात सवाल ही नहीं होता बिजली कल रात बसी है बिजली दौड़ी है फिरी है घूमी है बिजली से सब करा लिया बहंगी नजर ने कैसा जादू कर दिया अगला गाना बजाए अजहर द बैंड इसके लिए आराम से नताशा की डेढ़ होशियारी के नंबर काट ये वो बच्चे होते हैं जो बताते हैं टीचर आपने टेस्ट का कहा था ये वो वाले बच्चे आपने तो कहा था टेस्ट है आपने लिया नहीं नताशा 1.5 यस डेढ़ होशियार देखा ये इक्वल जाएंगे शुरू में देखे इनके मसाइल शुरू में कह रहे थे नताशा से बात नहीं कर रहे उन्हें टाइम नहीं दे रहा अब कह रहे डेढ़ होशियारी के नंबर काट रहे हैं मुझे खुला आजाद नहीं है ये क्या नहीं पता ये बंद ये खुला सेट है एक चीज है एक बंदी हम पे भारी पड़ रही है अच्छा पूरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने कोई बात नहीं मेरा डोमेन है यार मैं नहीं करूंगी तो कौन बनेगा ये भी
और यहाँ पर नताशा इक्वल है जी, और लेम जोक्स वाले बस लेम जोक्स वाले पे उनके साथ ज्यादती हुई है क्योंकि उस तरफ कोई नहीं है। जोक्स के तो पिटारे हैं मेरे दाएं बाएं, यार समझ नहीं आ रहा कि उस तरफ बता दे किसकी बारी है। चलो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं जो भी गेस करेगा वो मेरा लगाओ जी तेरा मेरा हंसी सुनने तो चले आप बिल्कुल दिल से बताए, दिल से शहबाज शरीफ की तरह अपने दिल और दिमाग से बताएं कौन जीता है। ये देखें हम जीते हैं, अगर ये राउंड मुझे नहीं जीता है तो मैं आपको बताना क्या। अब आप लोग वहां से करके दिखाएंगे। अच्छा एक बात है, ये परफॉर्मेंस देखिए आप, हम साथ हमने आपको शहबाज आप साथ नहीं आप जा रहे हैं। लेम जोक भी हो गया, सब हो गया, लेकिन हम ले पा रहे हैं तभी तो लेम जोक इन्होंने। अरे अलग चैनल है, आदि तुम्हारे लिए एक सवाल है जी, जी। मुझे एक बात बताओ जी। चाइना में लोग गन चलाने के लिए ये वाली उंगली इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये आपकी उंगली है। ये मेरे दादा पुनी ने किया था मेरे साथ जब मैं 2 साल का था। ये आपने आज से पूछे, इतना टाइम लगा के आई रिग्रेट आस्किंग यू, पहले कुछ ऐड करना चाहिए। बैड मैन, दैट वाज कैप्टन। बोर हो रहा है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? शोएब भाई क्या हो रहा है यार, ये आपकी कप्तानी में आपकी टीम एक तो हमारी टीम ने तो बर्बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है यार, गाने भी कैसे कर रही है, यहाँ से हुई है मतलब ये आपको लग रहा है। रिकॉर्डिंग जाके देख ले। अच्छा बताएं खान साहब, न्यूट्रल अंपायर का कहते हैं ना आप, न्यूट्रल अंपायर बन के बताएं कौन जीता है यार, बार बार हमारे शो में पॉलिटिक्स क्यों आ जाती है यार, करंट अफेयर्स एंकर को क्यों बैठा रहे हो ना। बिलों के घर तक किसी ने डिसाइड नहीं किया कि ये टीम जीती है या ये टीम जीती है, न्यूट्रल अंपायर भी कुछ नहीं कर सका। आगा कह रहे हैं कि यार बिल्कुल भी पॉलिटिक्स को आप बीच में ना लाओ, तो ठीक है आगा आपकी बात मान लेते हैं। तो जनाब अब एक और गाना, और बिलों द घर किसकी टर्न थी, यहाँ थी ना, हमने गेस किया था। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप लड़कियाँ गेस करेंगी, ठीक है? आप खामोश, अगर 10 सेकंड तक लड़कियों ने गेस नहीं किया तो ऑफ कोर्स आपके पास वो टर्न आ जाएगी। 30 सेकंड हम खुद प्लीज कोई आसान नहीं, एक्सक्यूज मी आप कोई काउंट नहीं कर रहे, एक्सक्यूज मी आप भी उसने जान उसने जाना की तार, बहुत एक्साइटेड हो गई, उसने जाना की तारीफ हम भी करें, खुश हो जाए यार। इधर से क्यों आ रहा है धुआं,
वो गैसकेट का मसला पीछे गाड़ी की जो खड़ी है ना, सेल खत्म हो गया ना, मैं सिलेंडर पे चल रही हूं। बजाज लेके आप खुद कर रही हैं लड़कों की टीम के लिए बजाए, हम सब इधर उधर देख, अजहर दी टीम बजाओ, वो भी बातें कह रहे हैं, अजहर द बैंड, अजहर द बैंड। अरे अभी अभी इधर देख रहे थे, इसी तरफ देख रहे थे गाने के लिए। एक तो मुझे कोई पॉइंट ही नहीं मिल रही है, आपको मौका दे रहे हैं, क्या लड़की का गाना है, लड़के गा रहे हैं, मैंने कहा आप आपकी आवाज से प्यारा लगेगा, ये चैनल कोई सही वाला लगा दो, हमने तो ऐसी हेल्प नहीं मांगी, गाना तो आपने गाया लेकिन जो स्टेप्स एप्रोप्रिएट स्टेप्स आदि ने किया उसमें पूरा नंबर, क्या बात है, जन आदि कम ऑन, व्हाट स्टेप्स डिड यू डू, यही तो ये अलग खूब बुलवाई हुई है, क्या हो गया यार, ये अलग शो जो चल रहा है उसकी सुने ना यार, आगा ने नताशा को देखा कि क्यों किया कि प्लीज तुम गा लो, मुझसे नहीं हो रहा, जो बाकी बैठे हुए हैं यार गाने वो लेकिन मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, अगला गाना बजाओ, बजाओ भाई 10 सेकंड आपके पास, अरे समझ गई थी गाना कौन सा है, लेकिन आदत का वर्ड नहीं आ रहा, लोग बहुत ओवर कर रहे हैं, नताशा को गिफ्ट कर दे, एक मिनट, वेरी वेल डन, बट ये गेम चल रही है, यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है कि सिंगर्स आएंगे, आई नो ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब आप दो लोगों को इधर बिठा दे, दूसरा भी आपने खुद ही बोला, ये आलिफ लोहार का चिमटा जाता है आगाली आपको और नताशा बेग आपको, अगर आप दोनों ना होते तो निकम्मो से गाना कैसा होता, ना गाया जाता, माइक ले लिए जाए, इतना ऑनर टाइम मिला इन दोनों को, माशाल्लाह ईद
बहुत अच्छा गाया है ना और ऑन एयर टाइम भी तो मिला है तो अच्छा। अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर जब ब्रेक से आएंगे वापस कौन से नाम भी है तो कोई भी नहीं होगा अरे ठीक है यार बताओ एक्सप्रेस के अलावा मैं कहीं नहीं जाता थैंक यू थैंक यू बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर थैंक यू ब्रेक के बाद वापस आएंगे अरे फिर तो आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया विद लव यू शो वापस कीप वाचिंग एक्सप्रेस ब्रेक ब्रेक यार ये तुम्हारे फिर इस सेगमेंट में जैसे मैंने आपसे वादा किया था इनसे कुछ खतरनाक सवाल पूछने थे लेकिन मेरे में पर्चा आउट हो गया है एक दूसरे जो जिसका दोस्त और दोस्त नहीं है अच्छा सबने एक दूसरे के कार्ड्स पकड़ लिए हैं एंड दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस शायस्ता आपके पास किसका कार्ड है जो आपने उठा लिया शुएब मलिक ओहो शुरू करें जी हम लोग अच्छे दोस्त हैं ऐसे सवाल रैपिड फायर और ये रैपिड फायर का राउंड पहली दफा किसी भी शो में हो रहा है ऑफ कोर्स कहीं भी नहीं हुआ आज तक ये कहीं भी नहीं हुआ यार करण जौहर क्या कर रहे हैं लोग भी नहीं थे इसके रूल्स क्या हैं अचानक की फायरिंग इसके रूल्स ये हैं कि लड़कियां लड़कों के जो सवाल है उनका जवाब देंगी कितने सेकंड में मुस्कुराना शुरू हो जाती हैं शायस्ता आपके पास किसका कार्ड है पूछ ले यार इनके पास शुएब 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 मलिक पूछिए पूछिए ओके शुएब अगर आप पे बायोपिक बने तो आपको क्या लगता है कि आपका रोल कौन प्ले अच्छा करेगा किसी के पास क्यों जाना है मुझे पता है अपने बारे में क्या मर्द का बच्चा क्या यार अच्छा लेकिन उसमें सानिया मिर्जा का रोल कौन प्ले करेगा वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा अच्छा मतलब वो भी मैं ही करूंगा मैं पूछूंगा सानिया से अगर वो करना चाहेगी तो ठीक है यार अच्छा अगर नहीं करना चाहे सानिया हां सानिया अगर नहीं करना चाहे रोल तो फिर 8-10 को डालूंगा आपके पास होती तो मैं अपनी चेंज कर लेता उसके लिए मैं कोई हॉलीवुड से लेके आता यार मैं तीन ऑप्शंस देती हूँ चलो आसानी के लिए स्टाइल गिव थ्री ऑप्शंस नहीं पसंद आया बता दे बात हो रही है ना यार क्या हो गया यार आप ऐसे करें आप बोल रहे हैं जैसे प्लीज कैन आई ऐड थ्री ऑप्शंस कैन आई प्लीज ऐड थ्री ऑप्शंस हां जी प्लीज गो अहेड तीन ऑप्शंस जो सानिया मिर्जा का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं आयशा उमर उष्णा शाह या शाइस्ता लोधी ये हॉलीवुड में आ गए नहीं ना हॉलीवुड में हॉलीवुड जा रहे हैं हॉलीवुड वाले कैसे शुद्ध हिंदी एंड उर्दू में बात करेंगे जो शाइस्ता जो सानिया माशाल्लाह से करती हैं मैं शाइस्ता को जाऊं ओए होए शाइस्ता जी मुबारक हो जी जी बहुत शुक्रिया आप चेक ले लो एडवांस का फौरन इनसे पैसे निकालना वैसे भी बड़ा मुश्किल है अच्छा जी क्या बोल दिया अच्छा शुएब एक मिनट देखे हर चीज का जवाब नहीं होना, नहीं होना आप सीखो ये खामोशी खामोशी भी बहुत बड़ा मतलब आप मुझे बोल रहे हो मुझे तो लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि दो साल बाद रमजान ट्रांसमिशन शुएब मलिक न कर रहे हो एक सेकंड ये क्वेश्चन है आई लव राबिया रिएक्शन एक्सक्यूज मी आप भी नहीं मैं नहीं ओके शुएब अगर रिटायरमेंट के बाद लाइफ गुजारनी हो तो सियालकोट लाहौर या फिर हैदराबाद इंडिया वाले कहाँ चूज करेंगे कौन सी जगह देखिए मेरा दिल तो सियालकोट के साथ है और मैं पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है लेकिन थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि दुबई आई वुड से मतलब हमारा जो ऑप्शन ही था वो आपने चूज कर लिया तो क्या होते एक रेसर होता रेसर? रेसिंग कर रहा होता रेसिंग अच्छी गाड़ियों का शौक है मतलब हाँ कर रहा होता अच्छा मैं आपके सामने कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगी आपको उनके बारे में एक जुमला बोलना है ठीक है शाहीन आफरीदी जुमला
ये जुमला ही है. वेरी गुड. बेस्ट. वेरी गुड. वेरी गुड. ओके बाबर आजम. बाबर आजम वाह क्या सीन है. कीप मेकिंग अस प्राउड. आजम खान. आजम खान वेट नहीं कम करना वरना वो जो छक्के लगते हैं छोटे हो जाएंगे. अच्छा रिजवान. रिजवान इसी तरह हेल्प करते रहो हमारे कैप्टन की और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो. जबरदस्त. वेरी नाइस. गुड 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 गुड. शुएब मलिक आपके पास किसका कार्ड है जल्दी. मेरा शाइस्ता का है और शाइस्ता से पहला क्वेश्चन है आपका नाम आइस्ता किसने रखा. आपने बाकी जी क्यों पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता वो बस एक शाइस्ता का नाम आप वो पठानों को इतना पसंद है. शाइस्ता मतलब खूबसूरत. शाइस्ता को देख कर उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि हर बाजार में कहते थे शाइस्ते शाइस्ते. मैंने एक दफा पूछा कि पठान हूँ कि क्यों कर रहे हो तो कहते हैं कि मतलब तो ये है लेकिन हम शाइस्ता लोधी की वजह से करते हैं. चुप कर. दूसरा सवाल. सेकंड क्वेश्चन. अगर आपको तीन चॉइसेस दी जाए और एक आपने उसमें से चूज करनी है आपको एक्टिंग करनी है आपको मॉर्निंग शो होस्ट करना है या आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही रहना है. जी मुझे डॉक्टर ही रहना. डॉक्टर ही रहना. yes. तो यहाँ आप आम लेने आइए. मौसम नहीं अपना जाविया दुरुस्त करें. बेचारों को पता ही नहीं चलता इसको एनर्जी ड्रिंक पिलाओ प्लीज पता चले ताकि. अगला सवाल. आप जीतो पाकिस्तान में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं ठीक है और उसमें आप किसके अगेंस्ट मैच नहीं खेलना चाहते या जिनसे आपको डर लगता है. किसके अगेंस्ट मैच नहीं खेलना चाहते. हाँ जिससे आप मतलब घबरा जाती हैं यार इससे ना हो आज. अदनान सिद्दीकी. क्यों हर चीज बताने की तो नहीं होती. ये भी है. इसके लिए खामोशी बहुत बड़ा जवाब है आज मैंने सीखा आपसे. लेकिन स्टिल यू टॉकिंग. अगर आप सुबह सोकर उठे और आपको पता चले आपका झंझट तब्दील हो गया तो आप क्या बोलेंगे पहली बार. मैं सुबह उठ के क्या करूँगा. मैं चेक करूँगा मैं क्या कैसी लड़की हूँ. खूबसूरत हूँ हसीन हूँ प्यारी हूँ. इससे क्या फर्क पड़ता है. अरे लड़की मेरे मसले. हाँ ठीक है. आदि कौन सी दो चीजें हैं जिनके बगैर आप खुशी का तसव्वुर नहीं कर सकते. मेरे अपने करीबी जितने भी लोग हैं उनका होना जरूरी है और मेरा अकेला होना भी जरूरी है. वो वेरी गुड. आदि इन अदाकारों के बारे में आपकी क्या राय है एक जुमले में बताइए. सबूर अली बहुत खूबसूरत. हुमायूं सईद बहुत खूबसूरत. रैपिड फायर जल्दी करो भाई. माया अली बहुत खूबसूरत. बहुत ही खूबसूरत. आज ही खत्म. वेल डन आदि. वेरी वेल डन. आपके पास किसका कार्ड है. मेरे पास फैजान का कार्ड है. दूसरा सवाल. अगर आप बचपन में स्कूल नहीं गए होते तो कहाँ गए होते. जल्दी बताओ. मैं घर गया होता दोस्त के घर. ये बताइए कि अगर आप बड़े होके बड़े हो जाए तो क्या बनेंगे. बहुत बड़ा. ठीक है आ गए आपकी बारी. आपके पास कार्ड नहीं है. अच्छे सवाल. वेरी गुड. फैजान अभी तक बहुत आगे है. बिल्कुल शो के एंड पर कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें भी ना आपकी जिंदगी का. सनम सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था और आपने क्या सीखा. लाइट हार्टेड क्वेश्चन दिए और उनसे इतना मुश्किल सवाल की बात. क्या पूछा. क्या पूछ लिया. बताइए क्या पूछा. मेरी जिंदगी का मुश्किल वक्त अल्लाह का शुक्र नहीं कोई भी नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र. आपने इन शख्सियात को ईद का तोहफा भिजवाना है आप इनको क्या गिफ्ट करेंगी. आसिफ अली जरदारी. इनको मैं क्या मैं इनको कुछ गिफ्ट करूंगी नहीं. इनके पास सब कुछ है. अल्लाह ने सब दिया है. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. शहबाज शरीफ को जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया. क्या बात है. बिलावल. बिलावल भुट्टो. बिलावल भुट्टो. इसको गिफ्ट ही दी थी. ये मेरे साथ इस तरह का सवाल हो रहा है. मतलब ये क्या बात है. पहला कितना अच्छा था. हाँ सही बात. अभी आदि वाला सवाल भी आपसे. उनको मैं ईद शो गिफ्ट करूंगी. इमरान खान.
पाकिस्तान. ओए होए क्या बात कर दी, कट गया. अग्री क्या ना करना अलग बात है. अगर आप खातून ना होती बल्कि मर्द होती तो क्या फिर भी शोबिज में आती या फिर किसी और शोबे का इंतखाब करती? आती वाला सवाल. मैं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आ जाती अगर मुझे आना हो तो. अच्छा मेरा सवाल. से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं आपसे सवाल करूंगा. नहीं नहीं, शलवार के पोंछे कितने रखती हो? 17. रैपिड फायर. पता नहीं, डिजाइनर से पूछना पड़ेगा. आहा अली हिना की कोई तीन क्वालिटीज बताइए जो कभी आपने अभी एक्सप्लोर की है. अभी दो ही साल हुए हैं, बहुत जल्दी पूछ रहे हैं. कोई बात नहीं, आती बेहतरीन क्वालिटीज हिना की. हिना बहुत ही सुगढ़ है माशाल्लाह. हिना बहुत अच्छी चाय बनाती है. और हिना मेरा बहुत ख्याल है. क्या बात है, चाय बनाने वाली क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है. सो आई रियली अप्रिशिएट. आगा की कोई एक चीज जो आप चाहें कि वो आदत बदल दें. आगा की एक आदत बदल दें कि हम घर से थोड़ा सा जल्दी अगर निकलना शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा. ओए होए डॉक्टर साहब, इतना कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है. हमारा बस ऐसी ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स है. इट्स ऑलराइट, मैं जानना चाहता हूं कहां निकलना है. प्लीज नहीं करना. इनका बस खत्म हो गया है. टेंपरामेंट जीरो हो गया है. ईद पर सबसे ज्यादा आगा किसको याद करते हैं, किसको सबसे ज्यादा मिस करते हैं? अम्मा. Obviously, जब मैं यहाँ होता हूँ और नहीं जा पाता हूँ लाहौर तो अम्मा को और अब्बा को तो हर ईद पे मिस करते हैं. जबरदस्त. आगा ने आपको इस ईद पर कितनी ईदी दी, क्या तोहफा दिया? कितनी ईदी दी, क्या तोहफा दिया? Very personal question. This is a personal question. Very personal. Skip कर दे. नहीं बता दे यार. It is not okay. यार calling couples and being personal. एक सेकंड. हमसे क्या हमारे बहन भाइयों के questions हो रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वक्त. आगा हिना को अपना वक्त देता है. ये बहुत जरूरी है. ये तो आगा भी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं ना. क्या बात. नताशा ने आज बहुत अच्छे हमें गाने सुनाए लेकिन नताशा कोई एक सिंगर जिसके साथ आप डुएट गाना गाना चाहती हो अभी तक वो फरमाइश पूरी ना हुई. आज का पहला सवाल नताशा से, बहुत सारी तालियां. वाह वाह, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. जी बताइए. आतिफ असलम. ओहो हो हो. अच्छा ये बताइए, अगर आपका छोटा भाई नहीं होता तो क्या होता? क्या बड़ा भाई होता? आदि के इसी बहुत अच्छे सवाल पर ये शो खत्म होना बनता है लेकिन ईद अभी जारी है. एक्सप्रेस के बहुत सारे जबरदस्त प्रोग्राम्स आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे और इन खूबसूरत चेहरों का, प्यारे दिल वालों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको. एक बार फिर ईद मुबारक. हम जा रहे हैं शो के अख्तिताम पर जिस परफॉर्मेंस से शो का हुआ था आगाज, खुद गर्ज की परफॉर्मेंस. आइए उसी परफॉर्मेंस से शो को वाइंड अप करते हैं. ईद मुबारक पाकिस्तान. तू कुछ भी नहीं.
मजबूरी नू आड़ जाड़ दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ।